हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ की जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम में से एक थ्योरम है, ठीक है ना, उसके बारे में। अब इस थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में हम BPT कह देते हैं। BPT का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम का नाम थेल्स थ्योरम भी है। कई बार ये थेल्स थ्योरम के नाम से ही पूछी जाती है और कई बार सिंपल ये स्टेटमेंट दी जाएगी कि उस स्टेटमेंट के हिसाब से हमें थ्योरम सोल्व करनी होगी। और एक चीज़ और, इस थ्योरम में आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन में सिंपल पूछ लेते हैं कि स्टेट एंड प्रूव BPT थ्योरम। BPT थ्योरम को स्टेट एंड प्रूव, मतलब स्टेटमेंट भी आप लिखो और प्रूव भी करो। तो सबसे पहले देखो स्टेटमेंट क्या दे रखी है। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कि एक किसी भी एक ट्रायंगल में एक लाइन ड्रॉ हो रखी है जो पैरेलल है किसी एक साइड के, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, और वो जो दो अदर साइड जो बच गई हैं उनको दो पॉइंट पे वो कट कर रही है, तो हमें क्या प्रूव करना है। द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो, कि हमें उसका रेशियो इक्वल प्रूव करना है। दो बेटा, सबसे पहले मैं इसका फिगर बना देता हूँ। ए बी सी, ये डी, ये हमें पैरेलल दे रखे हैं। हमें क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल टू बी सी। अब सबसे पहले मैं इसमें गिवन टू प्रूव, क्योंकि इन सबके नंबर मिलते हैं बेटा। गिवन का हाफ मार्क्स होता है, टू प्रूव का हाफ होता है, कंस्ट्रक्शन का हाफ होता है, और ये थ्योरम 4 मार्क्स की आती है तो 2.5 मार्क्स इसके प्रूफ के होते हैं। तो ये आपको थ्योरम में आपको हर चीज़ लिखनी है, तो मैंने लिखा पहले गिवन। इसमें गिवन क्या है कि DE पैरेलल टू BC। अच्छा, यहीं लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम रहेगा इस थ्योरम के लिए। टू प्रूव, कि प्रूव क्या करना है हमें, इसमें हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB किसके इक्वल, AE अपॉन EC के। कंस्ट्रक्शन क्या की हमने, ड्रॉ यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो DM, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो DN, और इनको ज्वाइन कर लो। तो मैंने क्या लिखा, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC, EN परपेंडिकुलर टू AB, ज्वाइन BE एंड CD। प्रूफ देखो बेटा, इसमें ना प्रूफ के लिए हमें ना ये पूरा ट्रायंगल जो इसको प्रूव करेंगे हमें, इसमें हमें एरिया का यूज करेंगे, और एरिया के केस में हमें फार्मूला लगाना 1/2 बेस इंटू हाइट। अब उस 1/2 बेस इंटू हाइट के जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपको है ना सबसे मेन फोकस रखना है बेस, कि आप बेस किसको ले रहे हो, ठीक है ना, उसके हिसाब से उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखो, जैसे अगर मैं ये वाली साइड ले रहा हूँ AD या DB, इस पूरी साइड पे जो मेरा परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, EN। चाहे मैं बेस AD लूँ इस ट्रायंगल में तो भी परपेंडिकुलर EN होगा, चाहे मैं बेस BD लूँ तो इस वाले ऑब्टूज ट्रायंगल में भी परपेंडिकुलर EN ही रहेगा। ऐसे ही अगर मैं इस साइड लूँगा तो बेस आपका AE लोगे तो परपेंडिकुलर DM, और बेस CE लोगे तो परपेंडिकुलर DM हो जाएगा। अब इसमें देखो, स्टार्ट किया मैंने, पहले लिखा ट्रायंगल ADE विद बेस AD। सबसे पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें AD बेस लिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ADE 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 बेस आपका क्या है AD, और हाइट आपकी क्या है EN, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही इस वाला, ये वाला BDE में, अब मैं लिखा दूसरा ट्रायंगल BDE विद बेस, इस केस में बेस क्या लिया BD, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा,
बी डी का एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट की, क्योंकि ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बना है तो हाइट आपको EN लोगे, तो इसका जो एरिया होगा 1/2 बेस आपका BD और हाइट आपकी EN हो जाएगी। नंबर टू, अब 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 1 को 2 से, तो 1 में क्या आ जाएगा एरिया ADE अपॉन एरिया BDE किसके इक्वल 1/2 AD इंटू EN अपॉन 1/2 BD इंटू EN, ये कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो हमारा आ गया AD अपॉन BD। नंबर थ्री, अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, इसके बाद हम दूसरी तरफ वाले जो ट्रायंगल हैं वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और या आप सीधा ऐसे लिख दो सिमिलरली। अब देखो दूसरी साइड में डायरेक्ट ले रहा हूँ मैं, इनको सबको ये बेस और ये नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, दूसरी साइड देखो कौन कौन से हैं, एरिया ADE, ट्रायंगल तो वही है, ऊपर वाला तो ट्रायंगल सेम रहेगा ADE, और दूसरा ट्रायंगल क्या लिया, एक पहली बार तो हमने ट्रायंगल ये लिया, दूसरी बार में ट्रायंगल ये वाला लिया, तो ये वाला कौन सा ट्रायंगल है, CDE, तो एरिया CDE, तो इसका जो एरिया लिखोगे 1/2 बेस, ऊपर बेस है आपका AE, परपेंडिकुलर है DM, और नीचे वाले में 1/2 बेस है आपका CE और परपेंडिकुलर है DM, ये इक्वेशन 4 होगी, इससे कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो AE अपॉन EC आ। अब एक और चीज़ देखो बेटा, ये दो ट्रायंगल है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 दोनों की न्यूमरेटर सेम है, एरिया ADE, एरिया ADE, इसमें BDE है, इसमें CDE है, और राइट हैंड साइड देखते हैं तो अगर मैं दोनों को इक्वेट करते मेरा आंसर आ जाना है, तो हमें कैसे भी करके हमें क्या करना है कि इस वाले पार्ट को मुझे इस वाले पार्ट के इक्वल दिखाना है कैसे भी करके, तो वो देखो ये तो हमारे डायरेक्ट आ रहा है, हमने 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो ट्रायंगल हैं दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो कौन कौन से दो ट्रायंगल हैं, तो देखो ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE बोथ हैविंग सेम बेस DE एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, तो क्या हो जाएगा इसका, सो एरिया BDE किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया CDE के, ये इक्वेशन 5। अब फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 और 5, अब हम इसमें डायरेक्ट ही हम आंसर लिख देंगे, तो 3 AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, हेंस प्रूफ। तो बेटा एक चीज़ का ध्यान और रखना, आप ये सिमिलरली से भी कर सकते हो, या इसका एरिया अलग निकालो इक्वेशन 4, इसका एरिया अलग निकालो इक्वेशन 5, फिर दोनों को डिवाइड कर दो तब ये इक्वेशन 6 आ जाएगी और ये 7 हो जाएगी, तो फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 और 7 आपका आंसर आ जाएगा। तो आप जैसे आपका मन करे, पहला पार्ट आपको नॉर्मल प्रूव करना है, दूसरा सिमिलरली करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये जरूर ध्यान रखना है, ये लिखना भी जरूर है कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया क्यों इक्वल है, क्योंकि ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि दो ट्रायंगल दोनों का बेस सेम है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, हमारा क्या आ गया, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो बेटा इस थ्योरम का, क्योंकि ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम में है पूरे 10th क्लास में, ठीक है ना। नाम ध्यान रखना, BPT थ्योरम से भी आ सकता है, थेल्स थ्योरम से भी आ सकता है, या ये स्टेटमेंट भी आ सकती है, ठीक बेटा। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन थ्योरम में जरूर लिखनी है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।